जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर अपने साथ चल रहा है पौधों को जानिए। तो पौधों को हम जान रहे हैं, पौधों के बारे में हमने पढ़ा कि पौधे तीन प्रकार के होते हैं, साग झाड़ी वृक्ष, उनकी परिभाषा पढ़ी। फिर हम गए तने पे, अब पत्ती की बात कर रहे हैं। तो पत्ती में आपने देखा था पत्ती जिस पत्ती और तने के बीच की योजक कड़ी प्रणाधार होती है, और पत्ती के बीच में सिराएं पाई जाती हैं, बीच में मध्य सिरा होती है, पत्ती में सिरा विन्यास होता है, सिराओं का जाल पाया जाता है। दो प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है, समांतर सिरा विन्यास, सभी सिराएं सीधी होती हैं, और ये होता है जालीकार रूपी सिरा विन्यास, इसमें एक मध्य सिरा होती है, बाकी छोटी छोटी सिराएं होती है। इसके बाद पत्ती के कार्य पढ़े, तो पत्ती के कार्य में हमने पढ़ा कि पत्ती जो है वो वाष्प को सृजन करती है। पत्ती अपने पत्ती में से पानी की छोटी छोटी बूंदे बाहर निकलना जल वाष्प के रूप में, पानी की भाप के रूप में बाहर निकलती है वो। इसके लिए हमने प्रयोग भी किया कि पत्ती पेड़ लिया गमला, उसकी पत्तियों को ऊपर भाग को पूरा पॉलिथीन से बांध दिया और धूप में रखा। तो धूप में क्या होता है, हमने धूप में ही क्यों रखा, क्योंकि अगर धूप में रखते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई पेड़ है, अब पेड़ के ऊपर पत्ती के ऊपर छोटी छोटी बूंदे आपको दिखाई नहीं दिखाई देती ना। क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि जैसे ही पत्तियों के अंदर से पानी बाहर निकलता है, गर्मी पड़ती है, और गर्मी के कारण ये पानी जो है वो भाप बनकर या वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, इसलिए हमें पत्तियों पर पानी दिखाई नहीं देता। इसलिए हमने पत्तियों को पूरा पॉलिथीन से बांध दिया। पॉलिथीन से बांधने पर क्या होगा, पत्ती अपने में से पानी निकालना जारी करेगी, पत्तियां अपने में से पानी निकालती है। अब हमने अब पानी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर जाएगा कहाँ जाएगा, पॉलिथीन के चिपक जाएगा, क्योंकि पॉलिथीन से हमने पूरा ढक लिया है। पहले क्या होता था, पत्ती पानी बाहर निकालती, गर्मी पड़ती और वो पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता, लेकिन अब हमने ऊपर से पॉलिथीन से ढक लिया, तो सारा पानी ऊपर जाने की बजाय उस पॉलिथीन की थैली में इकट्ठा हो जाता है। और जब पॉलिथीन को हटाकर हमने देखा, पॉलिथीन में पानी की छोटी छोटी बूंदे दिखाई देती है। ये पानी की छोटी छोटी बूंदे जो है ये जल वाष्प रूप में, पानी की भाप के रूप में ऊपर जाती है। तो जो आपको बूंदे दिखाई दे रही है उसे कहते हैं जलवाष्प की बूंदे। तो पत्ती अपने में से पानी की छोटी छोटी बूंदे जलवाष्प रूप में बाहर निकालती है और बाहर छोड़ देती है और वातावरण में चली जाती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प यानी भाप का उत्सर्जन यानी बाहर निकालना। तो पानी भाप किसकी होती है, पानी की। तो पानी की भाप बनकर उत्सर्जित होने की बाहर निकाल दी जाती है, इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पानी का भाप या वाष्प के रूप में, पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ये पत्तियों द्वारा होती है। पत्ती अपने में से बहुत सारा पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकालती है। ये पत्ती का कार्य हो गया, पत्ती वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अपने में से पानी को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालती है। अब हम पत्ती का दूसरा कार्य पढ़ेंगे, पत्ती। पत्ती में हम पत्ती क्या पढ़ेंगे, दूसरे कार्य। पत्ती की दूसरा कार्य क्या है, पत्ती का दूसरा कार्य है, पत्ती जो होती है वो पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम, ऐसा काम भोजन बनाने का। पेड़ पौधों में आप पूछ ले कि पेड़ पौधे पूरा है, उस पर खाना कौन बनाता है, पेड़ पौधे भी हमारी तरह खाना खाते हैं। तो पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम कौन करती है, पत्ती करती है। तो पत्ती को क्या बोलते हैं, पादपों की खाद्य फैक्ट्रिया। क्या बोलते हैं, खाद्य फैक्ट्रिया। खाद्य फैक्ट्रिया यानी खाद्य ही भोजन, और फैक्ट्रिया भोजन बनाने वाली फैक्ट्रिया। इन पत्तियां बहुत सारी होती हैं पेड़ पौधों पे, पत्तियां जो होती है वह पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम करती है। तो आप पूछ लेंगे पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम कौन करती है, आप कहेंगे पत्तियां पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम करती है। ओके, हो गया। अब पत्ती भोजन तो बनाती है, लेकिन ये भोजन कहाँ रहता है, पत्ती में मंड के रूप में, कहाँ रहता है, मंड के रूप में। अब पत्ती जो भोजन बनाएगी ना, ये पेड़ पौधों की बाकी जगह जैसे शाखाओं को, तने को, जड़ को, फूल को, फल को, सबको देती है, ठीक है। तो अब ये जो भोजन है वह पेड़ पौधों में जाके ठहर जाता है, किसके रूप में, मंड के रूप में। जैसे अपने शरीर अपन जो खाना खाते हैं
वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में संरक्षित है, ग्लूकोज टूटता है और अपने शरीर में ऊर्जा मिलती है, वापस भोजन करेंगे ग्लूकोज बनेगा फिर वो वापस टूटता है। ठीक है, तो जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है भोजन भोजन में, वैसे ही पत्ती जो भोजन बनाती है वो मंड के रूप में बनाती है। तो मंड जो है, मंड के रूप में भोजन पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंच जाता है और वहां सुरक्षित रहता है। जैसे जैसे पेड़ को भोजन चाहिए वैसे वैसे वह भोजन लेता रहता है। ठीक है ना, तो पत्ती जो है वो भोजन बनाने का काम करती है, पत्तियों में भोजन मंड के रूप में रहता है। ठीक है, अब पत्ती में भोजन बनानी है इसका परीक्षण कैसे करेंगे, तो हम एक प्रयोग करेंगे इसके द्वारा पता चलेगा कि पत्ती वास्तव में भोजन बनाती है या नहीं, पत्ती में जो मंड है वो है कि नहीं है, पत्ती भोजन भोजन बनाएगी और किस रूप में रहेगा पत्ती में, मंड के रूप में। तो पत्ती मंड है यानी इसका टेस्ट होता है। तो ये हमने पढ़ा था दूसरे चैप्टर में, किस चैप्टर में पढ़ा था कि मंड या सरगरा, मंड या सरगरा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो दो रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट के दो रूप में मंड या सरगरा। ठीक है, अब मंड की बात करें, मंड भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का प्रश्न होता है कि आयोडीन विलयन की, एक होता है आयोडीन विलयन, आपने देखा था ना कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट कोई खाद्य पदार्थ लेके उसके ऊपर आयोडीन विलयन ने कुछ बूंदे डाली थी तो रंग कैसा हो गया था, बैंगनी या नीला रंग हो जाता है। अगर बैंगनी या नीला रंग हो जाता है इसका मतलब उसमें क्या है, मंड यानी सरगरा है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का एक भाग होता है मंड या सरगरा, तो मंड यानी भोजन, भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट, मंड किसका भाग है, कार्बोहाइड्रेट का एक भाग है। ठीक है, अब पत्तियों में वास्तव में भोजन बनता है कि नहीं होता है, क्या पत्तियों में मंड के रूप में भोजन संरक्षित रहता है, उसे प्रयोग है। एक प्रश्न भी आती है ऐसी कांच की बनी हुई है, आप प्रयोगशाला में जाओ तो देखना ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, एक पत्ती डालते हैं, क्या डालते हैं, एक पत्ती ले लो, पत्ती को डालो इसमें। ठीक है, अब इसमें डालते हैं स्प्रिट, क्या आता है स्प्रिट, एक एल्कोहल टाइप ही आता है स्प्रिट, स्प्रिट डालो इस पर, कितना डालना, उतना ही डालना है जितना की पत्ती स्प्रिट में डूब जाए। ये पत्ती हो गई, पत्ती में क्या मिलाया, पत्ती प्लस स्प्रिट डाल दिया। अब क्या करेंगे, एक प्रश्न ले ली, पत्ती डाली इसमें और इसमें स्प्रिट डाल दिया, इतने डालना जितने में पत्ती स्प्रिट में डूब जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस प्रश्न ली और इस पत्ती समेत स्प्रिट समेत इसको एक बीकर में डालते हैं, इस पूरे को एक प्रश्न ली, इसके अंदर ये पत्ती और स्प्रिट जो है इसको एक बीकर में डाला जाता है। ठीक है, डाल दिया ये पत्ती है और स्प्रिट हो गया ये। अब क्या करते हैं, ये बीकर जो पानी से भरा है उसको आप रख दो। ठीक है, अब इसको करते हैं गर्म, क्या करते हैं गर्म, जैसे आग लेते हैं बर्नर से गर्म करते, गर्म आप करते रहे करते रहे करते रहे, गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर ये होगा कि ये पत्ती, अब आप आग गर्म कब तक करना है, आप गर्म करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तब तक गर्म करेंगे जब तक इस पत्ती का जो हरा रंग है वो उड़ नहीं जाएगा, पत्ती का हरा रंग उड़ जाएगा। तो पत्ती का जब हरा रंग उड़ जाएगा तो अब इस प्रक्रिया को आसानी से सावधानी पूर्वक बाहर निकालेंगे, इस प्रक्रिया को वापस बाहर निकाला, इसके अंदर जो पत्ती थी उसको सावधानी से बाहर निकालते हैं। अब इस जिसका रंग उड़ गया है, इस पत्ती को, इस पत्ती के ऊपर, इस पत्ती के ऊपर जो हरा रंग था तो हमने गर्म किया तो पत्ती का हरा रंग उड़ गया, तो पत्ती का रंग उड़ गया, पत्ती उड़ एकदम बिना हरे रंग की। अब इस पत्ती के ऊपर क्या गिराते हैं, आयोडीन विलयन, आयोडीन विलयन वही कार्बोहाइड्रेट या मंड के परीक्षण के लिए, इसे मंड है यानी इसके परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन क्या मिलाते हैं, आयोडीन विलयन की 5 या 6 बूंदे मिलाई जाती है। 5 या 6 बूंदे जब हम इस पत्ती पे डालेंगे तो इस पत्ती का रंग नीला या बैंगनी हो जाता है, करके देखना, तो पत्ती का नीला या बैंगनी हो गया, इसका मतलब पत्ती में क्या है, मंड यानी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित
है, इसका मतलब पत्ती भोजन बनाती है, इसे मन या सर होता है। ठीक है, तो इसमें मंडिया कार्बोहाइड्रेट होता है। जब इस प्रतिक्रिया आयोडीन मिलने की 5-6 बूंद डालने पे नीला या बैंगनी हो जाए तो इसमें मंड की उपस्थिति का पता चल जाएगा, पत्ती में मंड उपस्थित है। ठीक है, ये प्रयोग हो गया। इससे सिद्ध होता है कि पत्तियां पेड़ पौधों में भोजन बनाती है और ये भोजन मंड के रूप में रहता है। ठीक है, तो पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में। चलो आप लोग अपनी कॉपी निकालो, कॉपी में लिखो आराम से। पत्ती का दूसरा कार्य क्या है? पहले प्रयोग लिखेंगे। चलो लिखो उसको। पत्ती के कार्य में अपने ले दिया था वास्तु सदन के बारे में, तो वास्तु सदन के आगे बिना एक परत नली लेकर ये इसमें लिखना प्रयोग। ठीक है, प्रयोग पूरी पत्ती में ऐसे लिखे प्रयोग लिखना। ये परत नली लेकर उसमें एक पत्ती डालकर स्प्रिट स्प्रिट मिलाते हैं। स्प्रिट क्या मिलाते हैं? स्प्रिट मिलाते हैं ताकि पत्ती पूरी तरह से स्प्रिट में डूब जाए। स्प्रिट में डूब जाए। अब इस परिक्रमी को परिक्रमी जैसे पत्ती भी है और स्प्रिट भी है, उसको एक बीकर में डालते हैं। अब एक बीकर को आधा भर के एक बीकर क्या भरते हैं? आधा भरते हैं। तो एक बीकर के एक बीकर को आधा भर के उसमें परतनली को रख देते हैं। परतनली में कौन कौन है? परतनली में स्प्रिट है और पत्ती। परतनली में इसमें परतनली को रख देते हैं बीकर। अब परतनली को रख देंगे बीकर में रख देते हैं। अब बीकर कितना है? आधा भरा हुआ है। तथा बीकर को गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तब तक गर्म करते हैं जब तक कि पत्ती का आयरन उड़ ना जाए। तब तक गर्म करते हैं जब तक कि पत्ती का आयरन पूर्णतः उड़ ना जाए। ठीक है, कब कब से गर्म करते हैं? जब तक पत्ती का पूरा रंग उड़ ना जाए। पत्ती का रंग उड़ जाने के बाद परतनली में से परतनली में से अब हम बाहर निकालेंगे पत्ती को। तो परतनली में से पत्ती को सावधानी पूर्वक बाहर निकालते हैं। सावधानी से बाहर निकालते हैं तथा पत्ती पर लिखो आगे पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग नीला या बैंगनी हो जाता है। नीला या बैंगनी।
लीला बैंगनी हो जाता है और लीला बैंगनी हो जाने का अर्थ है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट बंद है। तो इसमें पत्ती में मंड उपस्थित है, मंड कार्बोहाइड्रेट मंड उपस्थित है। ठीक है, ये हो गया परीक्षण कि पत्ती मंड उपस्थित है यानी भोजन उपस्थित है, इसका मतलब पत्ती भोजन बनाती है। पति भोजन बनाती है तो कंफर्म हो गया कि पति भोजन है, पड़ा है। तो पत्तियां क्या करती है, पत्तियां क्या काम करती है, पत्तियां भोजन बनाती है क्योंकि संबंध पड़ा है। तो पत्तियों द्वारा बनाया गया जो भोजन है वह आगे दूसरे पौधे के दूसरे व्यवस्थाताओं को तने को सबके पास जाता है, उनके पास मंड के रूप में रहता है। जैसे जैसे इनको उपयोग करना होता है वैसे वैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब पत्तियां क्या करती है, पत्तियां क्या करती है, पत्तियां पति क्या करेगी, ये तो लेगी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से वातावरण से, हमारे चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत सारी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल क्या लगी, पानी। पत्ती को पानी कौन देता है, नीचे जलों से पानी आता है। तो पत्ती जल और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य का प्रकाश, ऊपर से क्या मिलता है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और पत्ती में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल एक वर्णक आता है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। पत्ती का हरा रंग किस कारण होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो पत्ती क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से बाहर से लेके पानी जड़ों से ले लिया और सूर्य का प्रकाश बाहर से मिल रहा है और क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। ये सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। और भोजन कैसे बनता है, मंड के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और साथ में ऑक्सीजन गैस से बाहर निकलती है। जब पत्तियां भोजन बनाएगी तो मंड के रूप में भोजन बनेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, इसको क्या पत्तियां भोजन बनाती है। फिर ये पत्तियों द्वारा जो बनाया गया भोजन है वह पौधे के बाकी भागों शाखाओं तने जड़ों फल फूलों फल सबको सबके पास चला जाता है। इस प्रकार पत्ती का काम क्या हो गया, पेड़ पौधों में भोजन बनाने का कार्य। सुनोगी बात, ये भी लिख लो कि पत्ती के और पत्ती जो है मंड होता है यानी पत्ती भोजन बनाने का काम करती है। तो पत्तियां पत्तियां प्रकाश और हरे के यानी ध्यान प्रकाश संश्लेषण, इसको इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, देखो पत्तियां सूर्य का प्रकाश, पत्तियां सूर्य का प्रकाश व हरे रंग के वर्णक, वर्णक यानी क्लोरोफिल, हरे रंग का वर्णक कौन सा है, क्लोरोफिल। पत्तियों में हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां पर सूर्य का प्रकाश और हरे रंग की वर्णक क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व जल लेकर पानी लेकर प्रकाश संश्लेषण, इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां भोजन बनाती हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण आ गया, प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, संश्लेषण यानी बनाना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना, बनाती कौन है, पत्तियां। तो प्रकाश जल लेकर प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाती है, भोजन बनाती है, और फिर ये भोजन पौधे के सभी भागों तक पहुंच जाता है।
कोई बनाती है क्या भोजन बनेगा इसका क्या निकलेगी क्या ऑक्सीजन गैस पत्तियां क्या निकालती है बाहर भोजन बनाने के बाद भोजन बन गया और साथ ही ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है यानी बाहर निकलती है निष्कासित होती है। ओके आगे लिखो निष्कासित होती है और पत्तियों द्वारा जो बनाया गया भोजन है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन बनाया पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन सब जगह चलाया जाता है पत्तियां भोजन बना लेती है क्योंकि भोजन पत्तियां सभी को दे देती है शाखाओं को जालियों को सॉरी शाखाओं को तने को जड़ को सबको तो पत्तियों द्वारा बनाया भोजन अंततः पौधे के सभी भागों तक पहुंच जाता है। या पौधे के विभिन्न भागों में सभी भागों में अलग अलग भागों में या विभिन्न भागों में मंडल यानी मंड कोई मंडल या मंड की बात है मंडल के रूप में संग्रहित रहता है मंडल के या मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जो है भोजन बनाने के बाद पत्तियां जो है भोजन सभी भागों को पौधे के सभी भाग जो पत्ती के अलावा जड़ तना शाखा है उनको दे देती है और फिर ये भोजन मंडल या मंड के रूप में वहां इकट्ठा हो जाता है। देखो इसको चलिए लिख रहे हैं इसको और ये लगभग कंप्लीट हो गया है। कल हम पत्ती की बात करेंगे जड़ की ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही गुड बाय थैंक यू।